हमारे पास में अभी ये दो बलून, दोनों बलून को टेस्ट करते हैं, देखो क्या बेसिकली रिजल्ट निकलता है इसमें से। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आपको समझने के लिए, कैसा ट्यूब टायर फंक्शन करता है और कैसा ट्यूबलेस टायर फंक्शन करता है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अभी सेलो टेप को चिपका दिया, ट्यूब टाइप टायर और ये है ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर इसलिए हम इसे बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने सेलो टेप लगाया है और इसमें कोई भी सेलो टेप नहीं है। मेरे हाथ में ये शार्प ऑब्जेक्ट से मैं इस बलून पे मारूंगा, देखते क्या होता है। फट गया, देखते क्या होता है। देखो तो दोस्तों यहाँ पे हमने होल किया था तो ये फटा नहीं है बलून। तो दोस्तों ये बलून के एग्जांपल पे आपको बताना चाहूंगा, जिस बलून में टेप नहीं लगाया था वो जल्दी फट गया और जिसके ऊपर टेप लगाया था वहां से हवा निकलते निकलते बाद में फटा है। सो ट्यूबलेस टायर का जो इनर लाइनिंग होता है ये ट्यूबलेस टायर के अंदर से माउंट होता है, सो उसकी वजह से वो सेफ रहते हैं टायर। वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया, मेरा नाम है रवि चंद्राना। तो आज के टॉपिक में मैं आपके लिए लाया हूँ ट्यूबलेस टायर और टायर ट्यूब में क्या डिफरेंस है। मेरे काफी व्यूअर्स है दोस्तों, काफी कस्टमर्स है, मुझे हमेशा पूछते हैं कि रवि टायर ट्यूब और ट्यूबलेस में क्या डिफरेंस है। तो आज ये इस वीडियो में हम लोग देखते हैं, आपके जो भी क्वेश्चन है वो सब सॉल्व हो जाएंगे टायर ट्यूब ट्यूबलेस रिलेटेड। चालू करने के पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में एक बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लीजिए तो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दिखेगा। दोस्तों आज के तारीख में सारी कंपनियां टू व्हीलर फोर व्हीलर में ट्यूबलेस टायर डाल के दे रही है। 2008 के बाद में जितनी भी गाड़ी आ रही है उसमें सब में ट्यूबलेस टायर ही आ रहे हैं। 2008 तक काफी जो गाड़ियां थी उसके अंदर टायर ट्यूब आता था, काफी गाड़ियों में हाई एंड गाड़ियों में ट्यूबलेस टायर आते थे। सो ट्यूबलेस टायर आर मोर सेफर देन ट्यूब टाइप टायर। दोस्तों आगे देखते हैं क्या क्या बेनिफिट है ट्यूबलेस टायर के, क्या क्या ड्रॉबैक्स है या क्या क्या डिसएडवांटेज है ट्यूब टाइप टायर के। दोस्तों अगर आपके कार या बाइक में ट्यूबलेस टायर लगा है या ट्यूब टाइप टायर लगा है ये आपको कैसे पता चलेगा, तो देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे वॉल लगा है, ये जो वॉल है ये रिम के ऊपर माउंट है, सो हम लोग इसको कह सकते हैं ये ट्यूबलेस टायर है। देखो ये ऊपर से दिख रहा है तो ये हिल रहा है, हाँ दिस इज अ ट्यूबलेस टायर। अब ये देख रहे हैं आप, ये जो है ये है ट्यूब अंदर से आया हुआ है रिम के अंदर से। यहाँ पे देखो कॉर्नर पे आपको गैप भी दिखेंगी, आपका ये टायर ट्यूब टाइप टायर है। दूसरा रास्ता बताना चाहूंगा ट्यूब टाइप टायर या ट्यूबलेस टायर आइडेंटिफाई करने का, साइड वॉल ऑफ द टायर हमेशा लिखा होता है ट्यूबलेस टायर या ट्यूब टाइप टायर। देखो यहाँ पे लिखा है ट्यूबलेस स्टील बेल्टेड रेडियल टायर, और ये दूसरा टायर हम देखेंगे अभी, दूसरे टायर में देखो यहाँ पे लिखा है ट्यूब टाइप टायर। सो दोस्तों ये ट्यूब टाइप टायर है, इसके अंदर ट्यूब आता है कंपनी के साथ में। दोस्तों काफी लोग ट्यूबलेस टायर में भी ट्यूब डाल देते हैं, सो आइडेंटिफाई करना हार्ड होता है। अगर आप साइड वॉल में देखेंगे तो ट्यूबलेस रहेगा, लेकिन आप ट्यूब डाला है उसमें अगर, सो इट्स बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई ट्यूबलेस टायर और ट्यूब टाइप टायर इज गो एंड चेक द वॉल। दोस्तों ट्यूब टाइप टायर की बात करते हैं, ट्यूब टाइप टायर के अंदर एक टायर होता है, अंदर में ट्यूब होता है, रिम के ऊपर ट्यूब और टायर दोनों माउंट होते हैं। तो ये टायर ट्यूब है, टायर ट्यूब के अंदर देखो ये शार्प ऑब्जेक्ट हम लोग अंदर डाल रहे हैं। अभी शार्प ऑब्जेक्ट अंदर डालने के बाद में हमको पता चलेगा कि क्या होने वाला है इसके साथ में। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से वॉल के यहाँ से भी हवा आ रही है और जहाँ पंचर हुआ था वहां से भी हवा आ रही है। यहाँ पे खिला डालेंगे वहां से हवा तो निकलेगा ही, जब भी ट्यूब टाइप टायर पंचर होता है सो हवा जो है ये अंदर में घूमती है, सो वॉल के यहाँ से पहले बाहर निकलेंगे। वॉल और ट्यूब इसमें हमेशा गैप होता है, सो हमेशा उसके अंदर हवा रहती है। नॉर्मल कंडीशन में भी वहां पे वॉल के पास में अगर शैम्पू का पानी डालेंगे सो बबल्स बाहर आएंगे, क्योंकि अंदर में ट्यूब और टायर के बीच में गैप है, उसमें हवा हमेशा रहती है। तो टायर के अंदर जब आप ट्यूब डालोगे तो उसका वजन थोड़ा हेवी हो जाएगा, तो रोलिंग रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा तो आपको माइलेज कम मिलेगा। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये ट्यूब अंदर में फूल जाता है जब गाड़ी चलती है, तो अंदर में ट्यूब और टायर के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन से जो माइलेज है आपका कम होता है, तो गाड़ी पुल करने के लिए थोड़ा टाइम लेती है। और दूसरी चीज एक होता है, ये जब ट्यूब और टायर एक में को अंदर में घसते हैं तो थोड़ा हीट मतलब टायर जो है जल्दी गर्म होता है, सो ये एक थोड़ा ड्रॉबैक है टायर ट्यूब टायर का। अभी ट्यूबलेस टायर के क्या क्या एडवांटेजेस है ये बताना चाहूंगा दोस्तों। तो दोस्तों ट्यूबलेस टायर में, जब ट्यूबलेस हम बोल रहे हैं उसके अंदर ट्यूब नहीं होता है, ये इनर लाइनिंग जो टायर के अंदर ही ट्यूब का एक कोट होता है। ट्यूबलेस टायर में हमें टायर होगा, एक रिम होगा और एक वॉल होगा, दैट्स इट। उसके अंदर ट्यूब का वेट नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, हीट नहीं होगी, सो परफॉर्मेंस में काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों कभी आप हाईवे पे जा रहे हो और आपका कभी टायर पंचर हो जाता है, या कहीं इमरजेंसी मीटिंग में जा रहे हो और टायर पंचर हो जाता है, और आपका ट्यूबलेस टायर पंचर हो जाता है, तो हवा जो है जहां से खिला जाएगा खाली वहां से ही हवा निकलेगा, वो स्लोली स्लोली निकलेगा, आप किले को निकालने की जरूरत नहीं है। ट्यूब टाइप टायर में दोस्तों खिला तुरंत निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो ट्यूब को भी डैमेज कर देगा। और दूसरी बात, ट्यूब टाइप टायर में सीधा टायर फ्लैट हो जाएगा आपका,
उसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं रहेगी अगर खिला जाता है उसमें तो। टायर में अगर खिला जाता है तो आप 150-200 किलोमीटर गाड़ी चला सकते हो हवा भर के, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कौन सा टाइप का खिला घुसा है। कोई अगर बड़ा खिला होता है या फिर मोची खिला जो एकदम शार्प रहता है वो अगर घुस जाता है तो हवा सीधा बाहर निकलेगा। सो हवा कैसे भरेंगे? हवा भरने के लिए दोस्तों पोर्टेबल टायर इन्फिल्ट्रेटर पे मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, उसको जाके देख सकते हो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको हवा भरना है तो आप कैसे हवा भर सकते हो। दोस्तों दूसरा ट्यूबलेस टायर का बेनिफिट ये है कि आपका फ्यूल एफिशिएंसी ये अच्छा रहेगा, क्योंकि अंदर में ट्यूब नहीं है, ये खाली हवा है। सो फ्रिक्शन नहीं होगा अंदर में, टायर हीट नहीं होगा और जो रोलिंग रेजिस्टेंस है वो लो रहेगा, सो आपका माइलेज भी अच्छा देगा। तीसरा एक एडवांटेज है, ट्यूबलेस टायर को रिपेयर करना काफी इजी है। ट्यूब टाइप टायर में ट्यूब फटने के भी चांस होते हैं। काफी टाइम आप बाइक बिना हवा की चलाते हो या कार बिना हवा की चलाते हो तो ट्यूब डैमेज होने के चांसेस है और वॉल जो है वो वहां से कट हो जाता है, क्योंकि ट्यूब अंदर में घूमता है, इसके वॉल भी कट होने के चांसेस होते हैं। सो ट्यूबलेस टायर है इजी टू रिपेयर, तो ये एक अच्छा एडवांटेज है, आप खुद भी रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ट्यूबलेस टायर का रिपेयर नहीं आता है तो मैं एक जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ हाउ टू रिपेयर ट्यूबलेस टायर पंचर, आप देखना ना भूलिए। चौथा जो बेनिफिट है इसका, जब आप टायर को बैलेंस करते हो, ट्यूब टाइप टायर में बैलेंसिंग का वेट जो लगता है वो ज्यादा लगता है, ट्यूबलेस टायर में बैलेंसिंग का वेट कम लगता है, वो एक अच्छा एडवांटेज है उसका। पांचवा बेनिफिट दोस्तों, उसके अंदर ट्यूब की जरूरत नहीं है, तो एक ट्यूब का कॉस्ट हमेशा बचते रहेगा। हर पंचर में मैंने देखा है मोस्टली ट्यूब खराब हो जाता है, सो एक कॉस्ट बचता है। छठा बेनिफिट की बात करेंगे दोस्तों, ये परफॉर्मेंस बेस्ड है, ट्यूबलेस टायर आर मोर सेफर देन ट्यूब टाइप टायर, एंड ट्यूब टाइप टायर जो होते हैं वो थोड़े अंदर में हीट होते हैं, ट्यूबलेस टायर अंदर से कूलर रहता है, बाहर में जब रोड पे चलता है उसके अंदर फ्रिक्शन नहीं होता है, सो परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है। दोस्तों और एक चीज बताना चाहूंगा, आपका जो ट्यूब टाइप टायर में अंदर ट्यूब होता है और उसके बाद में ऊपर टायर लगता है तो उसका वेट ज्यादा रहता है। वेट में क्या डिफरेंस है इसका मैंने एक एग्जांपल डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप चेक कर सकते हो कितना फर्क पड़ता है उसमें। दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेरीज है ट्यूब टाइप टायर रिलेटेड या ट्यूबलेस टायर रिलेटेड, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका कैसा एक्सपीरियंस है ट्यूब टाइप टायर का या ट्यूबलेस टायर का, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बाजू एक बेल आइकन दिया है उसे प्रेस कीजिए तो सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले आएंगे। राइडर्स प्लीज वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।